प्रधानमंत्री के पास है पूरा समय पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाने का समय। मैं मोदी जी और उनकी सरकार को कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का एक एक सांसद और कार्यकर्ता न कभी झुका है, हमारे गर्दन कट जाए लेकिन हम झुकेंगे नहीं। ये एक संदेश हम इस अधिवेशन से भेजना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में दोबारा कांग्रेस पार्टी का तिरंगा लाल किले पर भी लहराएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। 5 साल पहले एक हस्ती आए थे आपके सामने वोट बटोरने और वोट मांगने के लिए, किसान के नाम पर, नौजवान के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर। 5 साल से उस व्यक्ति का चेहरा नहीं दिखा, अब जब 60 महीने की घड़ी लग गई तो दोबारा वो व्यक्ति आ गया आपके बीच में, दोबारा वोट मांगने के लिए आपके समझ आएगा। 60 महीने आपके बीच में तो नहीं आए पर पूरे विश्व के 84 देशों का दौरा करते करते राष्ट्र नहीं विश्व नेताओं को झप्पी देने में बहुत व्यस्त थे। प्रधानमंत्री के पास नहीं गरीब के कुटीर में जाने के लिए समय, प्रधानमंत्री के पास नहीं किसान के कुटीर में जाने के लिए समय, लेकिन प्रधानमंत्री के पास है पूरा समय पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाने का समय। प्रधानमंत्री को समय है चीन का राष्ट्रपति यहाँ आता है तो साबरमती के तट पर झूला पे झूला के खांडवे और ढोकली खिलाने का समय मिलता है। आज मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, नौजवान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस नौजवान की जिसको मोदी जी ने कहा था हम लाएंगे अवसरों का भंडार लेकिन लेके आए पान और पकौड़े वाली सरकार। तो आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने मुझे वो मंच प्रदान किया जिसके आधार पर जनसेवा और राष्ट्र सेवा पर हम लोग आगे बढ़ पाए। देश के इतिहास में शायद कोई ऐसा जनादेश किसी भी सरकार को न मिला हो जो एक बार नहीं लेकिन 2 बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है, और उस जनादेश का एक सक्रिय क्षमतावान और पूर्ण रूप से समर्पित भाव के साथ कार्य करने की जो क्षमता उनकी है, और आज देश का नाम जो विश्व स्तर पर उन्होंने बढ़ाया है, योजनाओं की क्रियान्वयन की क्षमता जो उनमें है, जो आज के नहीं लेकिन भविष्य की चुनौतियों को परखना और परखने के बाद उनकी सामना करने के लिए योजना बनाना, ये जो क्षमता उनमें है, मैं मानता हूं कि भारत का भविष्य पूर्ण रूप से उनके हाथों में सुरक्षित है। मैं आज नड्डा जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि आज यह मंच उन्होंने मुझे प्रदान किया, और मैं उत्सुक हूं नड्डा जी के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के दिखाए हुए रास्ते पर, हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी पूर्व अध्यक्ष के दिखाए हुए रास्ते पर, और हजारों सैकड़ों करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनसेवा और देश के विकास में योगदान का अवसर मुझे मिलेगा, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं।